इसमें लिखा हुआ है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। आप चित्र में देखोगे आकृति 9.12 में एक टावर कैसा है, खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्मूलन कोण 60 डिग्री है। इस टावर पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु अन्य है जो टावर से शिखर का उन्मूलन कोण 30 डिग्री का वो बनाता है। चित्र देखिए आकृति 9.12 में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप चित्र जो देखोगे चित्र में इसमें दिया हुआ है कि एक क्या है, एक बच्चों एक नहर है। क्या है, एक नहर। और नहर में इसने कहा नहर के एक साइड तो और खड़ा हुआ है एक टावर। क्या खड़ा हुआ है, एक टावर खड़ा हुआ है। इसने कहा कि इसके एक तट से दूसरे तट पर इस केबल टावर का उन्मूलन कोण 60 डिग्री है। कितने डिग्री का दिया हुआ है इसमें, 60 डिग्री है। और ये कहा कि इससे अगर मैं यहां से 20 मीटर की दूरी पर जाता हूं, कहां से, यहां से 20 मीटर की दूरी पर जाता हूं, तब इसके शिखर का उन्मूलन कोण कितने डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। तब नहर की चौड़ाई, नहर की हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, दूसरा टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। हमने मान लिया कि माना ए बी सी डी, हमने मान लिया, माना देखो चित्र तो इसमें चित्र दिया हुआ भी है, ना कि क्या होता तब हम इसे बनाते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो हम इसका आंसर जब हम करेंगे, हमने मान लिया कि माना ए बी ए टावर है, माना ए बी ए टावर है। अब इसके टावर की ऊंचाई इसने दे रखी, हमने एच मान ली के सर हम मान सकते हैं कि माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई कितनी है, एच मीटर है, एच मीटर है। माना बीसी जो है, बीसी नहर है, माना बीसी नहर है। और नहर किसने चौड़ाई भी नहीं दे रखी, तो चौड़ाई इसकी मान लो एक्स मीटर हम मान सकते हैं यहां पर, एक्स मीटर। माना नहर की चौड़ाई एक्स मीटर है। क्या है, एक्स मीटर है। हमें एच का और एक्स का मान निकालना है। वही जैसे पहले फॉर्मेट हम कर रहे थे, तब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किससे ले रहे, पहले ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बच्चों टेन थीटा बराबर, टेन थीटा, हाँ टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब थीटा बताओ इसमें थीटा कितना लिखा हुआ बच्चों, इसमें थीटा लिखा हुआ है 60 डिग्री। आप हो गए यहाँ पे टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है यहाँ पर, ए ए बी बटे आधार कितना है यहां से यहां तक 20। ठीक, टेन 60 का मान होता है बच्चों अंडर रूट 3 बराबर। ए बी कितना है, टावर की ऊंचाई हमने मान रखी है एच और बी सी है एक्स, बटे में एक मान क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से एक्स का आ जाएगा इधर अंडर रूट 3 एक्स बराबर आ जाएगा हमारा एक्स। समीकरण हमने क्या मान लीजिए, पर यहां एक्स कहां आ गया, यहां पर ऊपर आ गया, यानी कि अंडर रूट 3 एक्स बराबर आ गया हमारा एच। अब दूसरा त्रिभुज ले लो ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में फिर वही लगाकर टेन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार। सभी क्वेश्चन में यही कर रहे हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब थीटा कितना लिखा हुआ यहां पर, 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, इसमें लंब है बच्चों ए बी बटे आधार कितना है, आधार लिखा हुआ यहां से यहां तक बी डी, कितना लिखा हुआ है बी डी। अब टेन 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना है हमारा एच, बी डी को मैं लिख सकता हूँ यहां से यहां तक बी डी ने लिख सकता हूँ बी सी प्लस के सी डी, क्या लिख सकता हूँ मैं बी सी प्लस सी डी। अब 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन बी सी का मान हमने कितना मान रखा है एक्स, प्लस सी डी का मान इसे दिया हुआ है बीस, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस बीस बराबर एच अंडर रूट। अब यहां पे समीकरण एक पर देखोगे h का मान दिया हुआ है अंडर रूट 3x, इससे समीकरण
एक से एच का मान रखने पर, जब समीकरण एक से एच का मान रखते हो जाएगा एक्स प्लस बीस बराबर, रख दो इसका मान अंडर रूट तीन एक्स है, गुणा करके हो जाएगा अंडर रूट तीन। अंडर रूट तीन के अंडर रूट तीन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये तीन एक्स, और बराबर में यहाँ पर कितना है एक्स प्लस बीस, इधर प्लस का एक्स इधर रख के हो जाएगा माइनस का एक्स, यानी कि बीस बराबर तीन एक्स माइनस के एक्स, और तीन में से एक एक्स जाएगा कितने बचेंगे दो एक्स, यानी एक्स बराबर दो बटे में कहाँ जाएगा दस, और एक्स बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर। आप कहोगे सर एक्स क्या था, एक्स था इसमें नहर की चौड़ाई, तो हम क्या कहेंगे कि नहर की चौड़ाई हमारी आ गई, नहर की चौड़ाई हमारी आ गई 10 मीटर, और ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। इसने ये कहा कि इसकी टावर की ऊंचाई और ज्ञात करो, तो एक्स का जो मान है वो समीकरण एक में रख देंगे जब हम यहां पर, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट तीन तो हमारे पास पहले है, और 10 आ गया एक्स का मान, यानी कि एच बराबर आ जाएगा 10 अंडर रूट 3 मीटर, यानी कि टावर की ऊंचाई हमारी कितनी आ जाएगी 10 अंडर रूट 3 मीटर। इसलिए ये कहा था कि एक नहर है, हमने एक नहर बने, एक टावर है, हमने क्या करता है एक टावर हमने बना दिया। इसके बाद इसने कहा कि एक तट पर 60 डिग्री कोण बना था, 60 डिग्री कोण बना, दूसरा 30 डिग्री कोण बना था, 30 डिग्री का हमने इसका कोण ये बना दिया। आगे से हमने ये कहा कि नहर की चौड़ाई ज्ञात करो, हमने एक्स मान ली, दूसरे ये कहा टावर की ऊंचाई इसमें ज्ञात करो, हमने क्या मान ली इसको एच। अब वही फॉर्मेट याद रखना है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधा। बच्चों ये चार पांच नंबर का, या तो चार नंबर का या पांच नंबर का बोर्ड में हर बार क्वेश्चन आते ही आता है इस टाइप का, तो आपको ये मैं हर क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप इसे अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर से कर लेना क्वेश्चन नंबर 12 देखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 7 मीटर ऊंचे एक भवन के से एक केबल टावर के शिखर का उन्मूलन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवलम्बन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इसमें एक दिया क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक हमारा भवन है भाई, कैसा है एक हमारा भवन है, भवन कैसे जो हो सकता है, ये क्या है हमारा एक भवन। इसने ये कहा कि इसकी जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है, कितनी है बच्चों 7 मीटर। अब ये भूमि पर है, इस पर होगा ये भूमि पर ही होगा भाई, यहाँ पर जमीन पर है, भवन कैसा है जमीन पर है। इसने ये कहा कि इस पर एक सामने एक क्या है, एक केबल टावर है, एक क्या है यहाँ पर केबल टावर। इसने ये कहा इस क्वेश्चन में कि भवन के शिखर, शिखर बोलते हैं बच्चों ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट कहते हैं हम शिखर, और पाद जिनको कहते हैं हम नीचे वाले पॉइंट, ठीक ये चीजें ध्यान रखना। ऊपर वाला पॉइंट को हम शिखर कहते हैं, ऐसे इसका ये शिखर ये हो जाएगा ऊपर, ठीक, और पाद बिंदु कौन हो जाएगा बेसिक हो जाएगा। इसलिए कहा इसके शिखर से इसके शिखर का पुण्य कोण 60 डिग्री है, यानी कि ये जो कोण बना रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, कितने डिग्री का है ये 60 डिग्री, और इसके पास बिंदु हो जाएगा बच्चों ये अवनमन कोण। अवनमन कोण होता है जब हम नीचे की साइड देखते हैं ये वाला कोण 45 डिग्री, और मैंने आपसे ये बताया था कि उन्नयन कोण आपके ध्यान हो कि उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण के, अवनमन कोण एक अंतर बाय एक अंतर कोण द्वारा हो जाएगा ये 45 डिग्री, तो बच्चों ये भी कितने का हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन बन गया, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, और हमें क्या करना है टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो यहां से यहां तक ये 7 मीटर है, तो 100% ये भी कितनी हो जाएगी 7 मीटर, भाई आधे टावर की हमें कुछ टावर की तो दूरी पता चली गई क्योंकि भवन की ऊंचाई है 7 मीटर। अब एक बंदा कोई यहां पर है, इसने ऊपर की साइड पर जब यहां पर देखा केबल टावर को, तो 60 डिग्री इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बोर्ड में आने की संभावना है क्वेश्चन, ठीक। तो यहां से ऊपर की साइड देख रहा है कितने डिग्री का है 60 डिग्री का,
उसके बाद नीचे की साइड जब इसने यहाँ पर देखा था उल्लंघन कोण 45 डिग्री का बन रहा है, अब ये 45 का बन रहा था, ये भी कितने का बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 45 डिग्री का। अब यहाँ पर एक त्रिभुज ए बन गया, ए यहाँ मान लो बी, यहाँ मान लो सी, और यहाँ पर ले लो ये डी, और यहाँ ले लो ये एफ, एक त्रिभुज बन जाएगा हमारा ये ऊपर। अब बी सी जो है जितनी दूरी ये है इतनी दूरी ये हो जाएगी, ठीक। बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा हमारा ए डी, बी सी बराबर तो हो गया ए डी, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा हमारा सी डी, ठीक। अब मान सकते हैं क्वेश्चन वही करना है, टेन थीटा लगाओ या साइन थीटा जो भी लगा रहे थे वो हमने क्या माना, आंसर जब हम करेंगे सबसे पहले हिंदी लिख लो, माना ए बी भवन है, माना ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है, कितनी है, 7 मीटर, ठीक। इसके बाद इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, लिख दो भवन के शिखर का उन्नयन कोण केबिल टावर के शिखर के साथ कितने बना रहा है, केबिल टावर शिखर के साथ 60 डिग्री, तथा अवनमन कितना बन रहा है, तथा अवनमन 5 बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। इसकी हिंदी थोड़ी सी और लिख लें, हिंदी लिखनी बहुत जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे तब त्रिभुज कोण से ले लो, समकोण त्रिभुज सारे समकोण त्रिभुज ही बनते हैं, और समकोण त्रिभुज में क्योंकि मीनार और सिद्धि खड़ी होती है भगवान को सीधा खड़ा है। अब त्रिभुज कोण से ले लो, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहां इससे पहले ए बी लिख दो समकोण, भाई कैसा है ये समकोण त्रिभुज ए बी सी में, हम वही जानते हैं लिख दो कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या याद रखना है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ए बी सी में टेन थीटा यानी कि थीटा कितना है यहाँ पर 45 डिग्री, हम लिखते हैं टेन 45 डिग्री बराबर लंब कितना हमारा यहाँ पर ए बी बटे आधार कितना हमारा यहाँ से यहाँ पर बी सी। अब मैंने आपको बताया टेन 45 का मान होता है बच्चों 1 बराबर ए बी, ए बी का मान कितना है 7/20, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बटे में एक मान के तो बीसी बराबर आ जाएगा 7 मीटर, समीकरण हमने क्या मान ली है, अब ये हमारा आ गया यहाँ से यहाँ तक हमारी आ गई है 7, तो ये भी कितनी हो जाएगी 7। मैंने आपसे बताया कि बीसी बराबर किसके हेड में, ये लैंडर यहाँ पर डला हुआ है, जितनी दूरी यहाँ से इतनी ऊपर छत की दोनों के बराबर दूरी होगी, ठीक, जितनी यहाँ इसके भवन की मीटर 7 मीटर से इतनी हो जाएगी 7। आगे ये निकाल लें अगर हम, टावर के हमारी यहाँ से यहाँ तक सारी ऊंचाई का पता चल जाएगा कि सारी ऊंचाई कितनी है। अब त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार, थीटा कितना लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, इसमें लंब है इसमें ई डी, ई डी बटे आधार, आधार कितना है, आधार इसमें ए डी, ए डी टेन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बराबर ए डी, इसमें दी नहीं हुआ, और ए डी किसके बराबर है, ए डी यहाँ पर ए डी बराबर है बी सी के, तो यहाँ पर क्या जाएगा बी सी, क्यों, क्योंकि ए डी बराबर किसके है, यहाँ पर ए डी बराबर है बी सी के, ठीक। अब बी सी का मान कितना है 7, समीकरण किससे लिख दो, एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से जब लिखेंगे तो अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा ई डी बटे 7, अब 7 यहाँ पर आ जाएगा यानी ई डी बराबर आ जाएगा 7 अंडर रूट 3, ई डी का मान आ गया हमारा 7 अंडर रूट 3। अब हमें निकालना है टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कुल टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो है ई सी है, यानी कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पूरी टावर ए तो है, तो यहाँ पर 7 ये है और 7√3 ये आ रहा है, कितना है हमारा यहाँ पर 7 को पहले था प्लस 7√3 ये आया, 7 दोनों में कॉमन है तो 7 अपने कॉमन ले ले, कितना आ जाएगा 1 प्लस √3, यानी कि हमारी टावर की ऊंचाई आ जाएगी
7 × 1 + √3, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अच्छे से क्वेश्चन दोबारा देखो, ये बात हमें लिखनी बहुत जरूरी है कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। दूसरी बात ये लिख देना, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, सबसे पहले हमें बनाना है चित्र। चित्र बनाने के बाद हमें लिख देना BC बराबर AD के, AB बराबर CD के, ठीक। और अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। यहां से बाहर से ये लिख देना कि माना भवन की, माना ये भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, कितनी इसमें दे रखी है यहाँ पर, ठीक। और फिर क्या मान लेंगे, त्रिभुज ये मान ले लो ABC, ABC में tan थीटा हमें लगाना है, फिर क्वेश्चन को हमें हल करना है। अगर कोई परेशानी आए तो मुझसे मालूम करना, और अच्छे से इस क्वेश्चन को करो। थैंक्स।